तो मेरे प्यारे ग्लैडिएटर्स, मैं आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ, मतलब फिर से नहीं, बहुत सालों बाद लेके आ चुका हूँ पोकेमॉन सोल सिल्वर का एक नया एपिसोड। यार ये लिटरली मैं बहुत दिनों बाद खेल रहा हूँ, और मैंने इसके पिछले एपिसोड में क्या किया था मुझे भी लिटरली याद नहीं है। मुझे मेरी ज़रा पोकेमॉन टीम चेक कर लेने दो। ओके, टोगपी भी है यार मेरे पास, क्विलावा 18 लेवल का है मेरे पास। ओके नाइस, और वूपर है मेरे पास, टोगपी रखी है और स्पीयर है। वेल नाइस टीम है। ओके, तो जहाँ तक मुझे याद है हमने स्लोपोक वेल में टीम रॉकेट को हराया था, इतना तो मुझे याद है। ओ यहाँ पे एक एप्रिकॉन लगा है, इसे ले लेते हैं, और शायद से हमने कुछ बॉल्स है ना इसे भी देते हैं, प्रोफेसर कर्ट, नहीं प्रोफेसर नहीं, कर्ट को दिए थे, तो अभी उससे शायद से रिडीम कर लेते हैं। भाई साहब ये बहुत दिनों बाद खोल रहा हूँ ड्रास्टिक एम्युलेटर। हाँ सुजन, आई जस्ट फिनिश अप अगेन हर ऑप्टिन द हैवी बॉल्स। वेल नाइस, हैवी बॉल्स मिल चुके हैं, दैट टर्न आउट ग्रेट, ट्राई कैचिंग पोकेमॉन विद इट। ओके, तो और एप्रिकॉन्स दे देते हैं इन्हें, बाद में आके कभी इनसे रिडीम कर लेंगे। तो येल्लो एप्रिकॉन दे देते, सारे ही देने हैं ना, हाँ सारे ही दे देते हैं। अरे नहीं यार, एक दो तीन, ओके यस, ओके आई विल टेक अ डे मेक योर पोकी बॉल, कम बैक लेटर। ओके, तो आज के एपिसोड में हम अपने सेकेंड जिम लीडर को हराने वाले हैं। वेल ये क्या हुआ रे। ओके तो पहले एक बार ज़रा पोकेमॉन हील कर लेता हूँ, और मैं ज़रा आइटम्स भी चेक कर लेता हूँ भाई मेरे पास सारे के सारे आइटम्स है भी कि नहीं तो भाई वांदे हो जाते हैं वांदे। ओके हील बाय हील। ओके नजोय, मुझे पता नहीं इस सीरीज पे कैसा रिस्पॉन्स आएगा। ओके तो मैं ज़रा एक बार बैग चेक कर लेता हूँ, बैग में मेडिसिन देखना है भाई मेडिसिन। ओके ओके, पोशन 10 है, पैरालाइज हील है, आइस हील, अवेक, मुझे एंटीडोट, हाँ एंटीडोट 6 है, पोकी बॉल, हेवी बॉल। वेल नाइस है यार, सब कुछ अच्छा है। तो अब भी हम जाएंगे इसे हारने, अपने अपोनेंट इसे, क्या नाम है इसका, बग्जी, बग्जी यो चैलेंजर, बग्जी मेड दिस जिम, इट्स अ ह्यूज नेस्ट और बग टाइप पोकेमॉन, बग्जी इज यंग बट इज मास्टर ऑफ बग टाइप पोकेमॉन, ही इज गोइंग टू बी टफ विदाउट माई एडवाइस, लेट्स सी बग टाइप पोकेमॉन, डोंट लुक फायर, फ्लाइंग मूव्स आर सुपर इफेक्टिव टू। ओके तो स्पीयरों के भी मूव्स इसके ऊपर इफेक्टिव है, तो मैं आगे स्पीयरों को ही रख देता हूँ, ताकि स्पीयरों को भी एक्सपीरियंस मिल सके स्विच ट्रेनिंग वाला, क्योंकि तो ऊपर भी एक अच्छी खासी लेवल पे है। ओके तो चलो चलते हैं, और म्यूजिक शायद से उतना भी लाउड नहीं होगा जितना मुझे लगता है, तो वह सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही लेडी है, लेडी नहीं बग। अरे भाई साहब इसका तो सिस्टम है, भूल ही गया था यार। ओके लिटरली मैं इसका सिस्टम तो भूल ही गया था यार, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते हैं ना। तो वेल मुझे इसके पास जाने के लिए बीच में से जाना पड़ेगा शायद से। वेल हाँ बीच से ही जा सकते हैं हम इसके पास। ओके नाइस, ओके यू हैव कम ऑल दिस वे क्रॉसिंग द वेब लाइक अ बग पोकेमॉन, एलाउ मी टू टीच यू द चार्म्स ऑफ बग पोकेमॉन। भाई साहब कैसा है यार एल। ओके मुझे अली लगा था पहले। वेल तो एम्बर से इसका काम तमाम हो जाएगा। वेल पर इसने मुझे पॉइजन कर दिया यार, विच इज नॉट ए गुड थिंग। ओके स्पीयरों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल चुका है एल। ओके यू प्रूव्ड यू आर टफ यू आर। ओके तो मैं जल्दी से है ना एक एंटीडोट यूज कर लेता हूँ मेरे इसके ऊपर, किसके ऊपर, आई मीन मेरे क्विलावा पे यूज़ कर लेता हूँ। ओके क्विलावा वाज क्यूर्ड ऑफ इट्स पॉइजनिंग। वेल नॉइस, तो अभी हमें कॉर्नर वाले से जाना है, तो उससे हम आगे जाएंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है यार, और कोई नहीं रास्ता है। ओके तो यहाँ से चलते रहे। ओके बराबर, जहाँ बराबर जाएगा। ओके बराबर, एक जिगजैग पैटर्न से जाते हैं तो समझ में आ जाता है। बग पोकेमॉन इवॉल्व यंग सो दे गेट स्ट्रॉन्गर मच दैट मच फास्टर, हाँ ये एक एडवांटेज होता है उनका।
बग पोकेमॉन्स का बेनी। ओके वीडल आ रहा है, वीडल। ओके तो बेड्रिल क्या एचपी पे आया यार, ऐसा लगता है ये रॉक पोकेमॉन है जिसका स्टर्डी एबिलिटी है भाई। ओके 204 एक्सपेंस पॉइंट स्पीयर हो टू लेवल 11, नाइस। ओके प्लेयर डिफीट है बग कैचर बेनी, जस्ट इवॉल्विंग इज। हाँ भाई चाहे अब भी बोला ना सच बात तूने, नहीं तो भाई झूठ बोल रहा था। ओके तो यहाँ से मैं कहीं और चला जाऊंगा, हाँ इसके पास चला जाऊंगा, इन डबल बैटल वाली लेडीज के पास। तो एक अच्छा ही है। हे आर यू चैलेंजिंग द लीडर? नो वे मिमी, इफ यू इंसिस्ट वी विल बी योर अपोनेंट्स। ओके गर्ल्स आई एम रेडी, ट्विंस एमी एंड मिमी। ओके लेडी बा और क्या है स्पिनर एक्ट। ओके खिलावा ने काम काम खत्म कर दिया। ओके स्पियरो को क्विलावा को दोनों का एक्सपीरियंस मिला है, एमी एंड मिमी। ओ गुडनेस आई एम फीलिंग अ बिट डिजी। ओके तो अभी मुझे स्विच का सिस्टम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके तो मैं पहले क्या करता हूँ यार, क्या करना था मुझे यार, मैं पहले ब्लू वाला स्विच दबा देता हूँ ताकि मैं कहीं और जा सकूँ। ओके तो मैं इसे यहाँ पे आ जाता हूँ, तो मुझे अभी नहीं दबाना है ये, बट मैं ग्रोन अप कहना है प्रेटी प्रेटी टू टफ। ओके प्रेटी टू टफ। ओके एक ही पोकीमोन है यार तेरे पास। ओके पर यार ये पोकेमोन बहुत पॉइजन करते हैं भाई साहब, एंटीडोट खत्म ना हो जाए मेरे। ओके नाइस भाई 12 लेवल का हो गया, विच इज अ नाइस थिंग। बग कैचर जोश, ओके ये भी एमएक्स टकाटक की तरह एक जोश है भाई। ओके तो पहले पीछे चलते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें पहले एक मिनट रुको भाई, मैं ज़रा बैग में से एंटीडोट यूज़ कर लेता हूँ। ओके स्पियरों के ऊपर हो जाए। ओके भाई साहब और मैं ऐसे ही लड़ने जाने वाला हूँ, तो पहले यहाँ से हम लोग वो ब्लू वाला स्विच प्रेस कर लेते हैं। ओके देखते 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 रे बाबा। ओके अभी ये ब्लू स्विच प्रेस कर दिया हमने, अभी यहाँ पे चलते हैं, अभी यहाँ से जाए तो हम रेड स्विच के पास चले जाए। ओके अभी रेड स्विच भी ये हो चुका है, तो अभी हम बक्सी के पास चले जाएंगे, बक्सी बक्सी है पर बक्सी बोलते हैं उसे, तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। यप बॉय आई वांट टू सेव द गेम। ओके सेविंग डोंट टर्न ऑफ द पावर। यार इसे खेलने का इसका खेलने का बहुत मन कर रहा था, पर इसके ऊपर कुछ ज़्यादा खास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था इसलिए मैं नहीं खेल रहा था। आई एम बग्जी आई नेवर लूज व्हेन इट कम्स टू बग टाइप पोकेमॉन, माई रिसर्च इज गोइंग टू मेक मी द अथॉरिटी ऑफ ए बग टाइप पोकेमॉन, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट वॉट आई लर्न फ्रॉम माई स्टडीज। और ये शायद से पहला बग टाइप जिम लीडर है, और ये बहुत अच्छा था जब मैंने एनिमे में इसकी बैटल देखी थी, मुझे लिटरली भाग गई थी यार इसकी बैटल। और स्टार्टिंग में भाई साहब साइथर निकाल दिया इसने, इट विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। और यार मैंने क्विलावा को हील भी नहीं किया यार, शेट करना चाहिए था मुझे हील। क्विक अटैक कर रहा है यार, क्विक अटैक। ओ भाई साहब ज़्यादा डैमेज पड़ा है, मैं बैग में से देखता हूँ एच पी 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 सुपर पोशन है मेरे पास, ये यूज़ हो जाए। ओके नाइस नाइस, एच पी रिकवर हो चुकी है। क्विक अटैक भाई साहब, मैं अभी एम्बर दिखाता हूँ इसे भाई, इसे भी मेरा एम्बर चखाता हूँ रे भाई साहब, मेरा डिफेंस भी गिरा रहा है ये। ओके एम्बर बोलते, ओ भाई साहब क्या डैमेज हुआ है। ओके इसके ऑरेंज बेरी कुछ तो होगा, सिट्रस बेरी। एम्बर भाई फिर से एम्बर, और या भाई साहब इसका जो अटैक होगा ना मेरी बहुत एचपी गला देगा क्योंकि इसने मेरा डिफेंस बहुत गला दिया है। आई होप ये और एक क्लियर करे ताकि मुझे एक चांस मिल जाए। ओ नहीं क्विक अटैक ही किया इसने, नहीं 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 ओके क्या बचा है भाई, क्या एचपी पर बचा है। ओके ओ भाई साहब 340 एक्सपीरियंस पॉइंट। ओके मेटा पॉड आ रहा है, इसे तो मेरा यही यही संभाल लेगा स्पियरो। ओके कम ऑन स्पियरो यू कैन डू इट,
मेटा पॉड है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टिंग शॉट या फिर हार्डन होगा या फिर टैकल भी हो सकता है। ओके पैक, नाइस नाइस नाइस। ओके अभी एक पोकेमॉन बचा है इसका। ओके लेवल 12, नाइस। ओके परसूट सीख रहा है, डार्क टाइप अटैक है, फॉरगेट अ मूव। मैं लियर हटा देता हूँ। ओके फॉरगेट। ओके परसूट सीख चुका है अभी शायद से। इसका लास्ट पोकेमॉन ककूना है भाई। नहीं भाई स्विच पोकेमॉन करना ही नहीं है मुझे। ओके तो ककूना आ चुका है। इवन दो इट्स माय लास्ट पोकेमॉन, बग पोकेमॉन आर टफ। एक पैक लग जाए ना तो बस हो जाएगा भाई साहब। ओ भाई साहब 1 HP पे हो चुका हूँ। हैंग इट जस्ट लिटिल मोर। ओके एक पैक, नाइस नाइस नाइस। क्या HP पे बचा है यार, क्या HP पे बचा है। लव यू स्पियरो। ओके लीडर बग्जी, दैट्स एंड ऑफ इट। ओके 1800 रुपये मिल चुके हैं मुझे। और यार थर्ड जिम बैच में क्या होगा यार, सामने मिल टैंक होगा, वो अमेजिंग। यू एन एक्सपर्ट ऑन पोकेमॉन, माय रिसर्च इज एन कंप्लीट। ओके यू विन, टेक दिस बैच। ओके हाई बैच दे चुका है। ओके हाई बैच, डू यू नो द बेनिफिट्स ऑफ द हाई बैच, इफ यू हैव इट पोकेमॉन अप टू लेवल 30 विल ओबे यू इवन ट्रेडर बॉय। Pokemon that not no cut will able to use it outside the battle too. I also want to have this. क्या दे दिया है इसका, कुछ स्पेशल अटैक होगा। ओके क्या दे दिया है, यू टर्न भाई साहब, यू टर्न। आई विल इट लेट्स योर पोकेमॉन अटैक व्हेन स्विच द स्विच विद द नेक्स्ट पोकेमॉन इन योर पार्टी, इजंट दैट ग्रेट। ओके तो भाई साहब इसे हरा दिया हम लोगों ने। तो यार चलो चलते हैं अभी रे, अपने हाइव बैच का दिखावा करते हुए चलते हैं बाहर। और अभी तो भाई और एक मेन बैटल भी होनी बाकी है आपको जैसे पता होगा, जो उसमें मेरे बहुत गंदे वाले लगने वाले हैं। वेल 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 चलो चलो बाहर चलते रहे। ओके तो अभी इससे बात करते हैं, इससे बात करने में मजा आता है। वेल डैट वॉज अ ग्रेट क्लैश ऑफ टैलेंटेड यंग ट्रेनर विद पीपल लाइक यू, फ्यूचर इज ब्राइट। थैंक्स भाई, कुछ तो अच्छा बोले यार। ओके तो अभी चलते हैं, ज़रा एक बार हील कर लेते हैं भाई, क्योंकि हील की सख्त ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत भाई। यस भाई आई वुड लाइक टू रेस्ट माय पोकेमॉन। और क्विलावा को मैं जल्दी से आगे रख लेता हूँ क्योंकि वही मेरी एक होप है, तोप है। ओके थैंक यू फॉर वेटिंग, वी रिस्टोर योर पोकेमॉन टू फुल हेल्थ। ओके प्लीज़ कम बैक एट एनी टाइम। ओके एट एनी टाइम एट एनी कॉस्ट आई विल कम फॉर यू नज़। ओके सॉरी तो मैं पहले पोकेमॉन चेंज कर लेता हूँ, क्विलावा रख लेते हैं आगे। वेल यही काम करना था। वेल तो अभी चलते हैं आगे और यहाँ पे होगी अपनी बैटल भाई साहब। सिल्वर ओके सर टेल मी समथिंग, इजंट इट ट्रू दैट टीम रॉकेट हैज रिटर्न, यू बीट देम। हाँ क्विट लाइंग, क्विट लाइंग। ओके आर यू सीरियस, देन लेट मी सी हाउ गुड यू आर। भाई साहब इसका ज़्यादा पोकेमॉन है इसकी वजह से दिक्कत आती है मुझे। ओके राइवल सिल्वर। ओके 3 पोकेमॉन है, मुझे लगा 4 होंगे। ओके गैसली भेजा है पहले, इसके लिए भाई एक ही ऑप्शन है एम्बर, नॉट ए अदर ऑप्शन। ओके वन हिट किल हो चुका है भाई, 1 hit kill। ओके तो लेवल 20 का हो चुका है क्विलावा, विच इज़ अ नाइस थिंग। ओके फ्लेम वेल क्यों नहीं सिखाऊंगा मैं। ओके तो लियर हटा देते हैं, हाँ लियर ही हटा देते हैं। ओके पूफ। ओके फ्लेम वेल सीख चुका है। ओके क्रोको नॉव आ रहा है जिसके लिए मैं शायद से स्विच कर लूँ स्पियरो में, ताकि थोड़ा तो डैमेज दे दे मेरा स्पियरो। ओके वेल क्रोकोनो का लेवल ज़्यादा होगा विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। ओके लेवल 18 का है, पैक करूँ या परसूट करूँ, पैक करते चलो। ओके पैक से ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है पर ये स्केरी फेस कर रहा है, उससे मेरी स्पीड फेल होगी यार, स्पीड फेल होगी। ओके स्पीड हार्शली फेल, परसूट। ओके लिटरली भाई कुछ किसी से भी कुछ ज़्यादा अटैक हो नहीं रहा है, स्केरी फेस ही कर रहा है यार ये बार बार।
ओके वाटर के ऊपर, वाटर तो इफेक्टिव नहीं होगा। ओके ओके फ्यूरी अटैक कुछ ज़्यादा डैमेज कर रहा है क्योंकि मल्टीपल टर्न वाला है ना। एक फ्यूरी अटैक ही देते हैं हम लोग, बाइट बाय बाइट, बाइट दे दिया भाई साहब, फ्यूरी अटैक। ओके ओके हिट टू टाइम्स क्यों किया भाई। ओके तो अभी क्विलावा को निकालना पड़ेगा मुझे क्योंकि अभी ये मजबूरी हो चुकी है मेरी। ओके अभी क्विलावा उतर चुका है मैदान में, तो यार मैं लिटरली क्या करूँ, मैं क्विक अटैक करके देखता हूँ। ओके वाटर गन नहीं चाहिए था मुझे यार। ओके अभी मैं फ्लेम व्हील का रिस्क लेने जा रहा हूँ। ओके ओ भाई साहब क्या डैमेज, ओ भाई साहब बर्न बर्न बर्न। ओके बच जाए, बस बच जाए। ओके बच गया, हर्ड बाइट्स बर्न या बॉय। भाई साहब जान अटक गई थी मेरे गले तक। ओके जू बैट स्विच पोकेमॉन रे, स्विच पोकेमॉन वूपर को भेजते हैं, वो कुछ तो कर सकता है। और हाँ गर्मियों में साला रिकॉर्ड करने में पसीने छूट जाते हैं यार। ओके जुबैट से यू गॉट अ लॉट ऑफ नर्व कमिंग हर। ओके तो गाइस जरा बैटल थोड़ी लंबी चल गई थी इसीलिए मैंने जरा पार्ट स्किप कर दिया था, पर इसे हरा दिया यार हम लोगों ने। क्विलावा को 91 एक्सचेंज, ऊपर को 91 एक्सचेंज, राइवल सिल्वर। हम यूजलेस पोकेमॉन, लिसन यू, यू वांट ओनली बिकॉज माय पोकेमॉन आर वीक। ओके आई हेट द वीक पोकेमॉन ट्रेनर, इट डजेंट मैटर हु आर व्हाट, आई हेट टू सी देम हैंगिंग अराउंड, दैट गोज फॉर टीम रॉकेट टू, आई थिंक दैट दे आर बिग एंड टफ एज लॉन्ग एज इन द ग्रुप बट गेट अलोन एंड द वीक एंड आई हेट देम ऑल, यू स्टे आउट ऑफ माई वे, यू वोंट बी एन एक्सेप्शन इफ यू गेट इन माई वे। भाई साहब जरा ज़्यादा ही बड़े शब्द बोल उच्चार कर लिए इसने, पर वेल हमारा एक काम तो हो चुका है भाई, राइवल सिल्वर को हरा दिया हमने क्योंकि उसका वाटर टाइप था। हमें जल्दी इलेक्ट्रिक पोकेमॉन का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। वेल देखेंगे हम आगे करेंगे भाई, ऐसे नहीं छोड़ेंगे उसे। ओके आई विल टेक योर पोकेमॉन फॉर फ्यू सेकेंड, थैंक यू फॉर वेटिंग। ओके प्लीज़ कम बैक एट एनी टाइम। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा आगे खेलते हैं क्योंकि उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा एपिसोड बना नहीं है शायद से। ओके तो गाइस एपिसोड उतना भी कुछ लंबा बना नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग आगे और थोड़ा खेल लेते हैं। वेल तू क्या बेच रहा है पहले बता, मैं रैपल लेना चाहता हूँ। वेल ये कुछ ज़्यादा खास नहीं बेच रहा है, प्लीज़ कम अगेन। ओके ये क्या बेच रहा है, व्हाट डू यू नीड बाय। ओके पोशंस, ओके दो ले लेते हैं बस। ओके और एंटीडोट ले लेते हैं क्योंकि हम अभी फॉरेस्ट से जाने वाले ना, तो उसके लिए एंटीडोट्स लगेंगे। और भाई साहब रैपल चाहिए अपने को, रैपल चार बस है, उससे हमारे पास 10 हो जाएंगे। ओके वेल इट्स अ गुड थिंग, प्लीज़ कम अगेन। ओके आई विल कम अगेन। तो यार मैंने बैज भी चेकआउट नहीं किया है, सुजल पे देख लेते हैं। ओके हाँ यहाँ पे ऐसे बैज दिखाते हैं ना। वेल 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 मतलब केस नहीं होता, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्विलावा को ही आगे रख दूंगा और मैं शायद से ट्रेनिंग कर लूँगा ऑफलाइन में। ओके ओ भाई साहब क्या कर रहे हो, आइलेक्स फॉरेस्ट इज बी केयरफुल डोंट गेट लॉस्ट। ओके द फॉरेस्ट इज वॉच बाय इट्स प्रोटेक्टर, स्टे आउट ऑफ मिसचीफ। फॉरेस्ट का प्रोटेक्टर सेलेबी है जहाँ तक मुझे याद है, आइलेक्स फॉरेस्ट। ओके आइलेक्स फॉरेस्ट में हम आ चुके हैं रे। ओके ये बैटर नहीं कर रहा शायद से क्योंकि म्यूजिक नहीं बजा। ओ मैन माय बॉस इज गोइंग टू बी एंग्री, द फारफेज दैट कट ट्रेस फॉर चारकोल टूक ऑफ इन द फॉरेस्ट, कैन यू कैच देम फॉर मी। फारफेज आर सेंसिटिव ईयर्स, इफ यू स्टेप ऑन अ ब्रांच दे विल फेस टूवर्ड्स यू, दैट्स योर चांस, स्नीक अप फ्रॉम बिहाइंड एंड कैच देम, डू यू थिंक यू कैन डू। ओके हमें फारफेज पकड़ने का काम दिया इसने और हम आगे बढ़ भी नहीं सकते क्योंकि आगे ये है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कट है जिसके लिए हमारे पास कट नहीं है शायद से। रन बॉय रन, तो मैं ज़रा रैपल स्प्रे कर लेता हूँ। किधर है मेरी रैपल, रैपल किधर है मेरी। ओके शायद से इसमें ही हो रैपल, यार किधर रखती मैंने रैपल।
ओके यार, एप्पल नॉर्मली होती है। ओके यहाँ पे होती है यूज़। ओके यूज़ तो कर लिया अभी। अभी चलते हैं फारफेच को ढूंढने। ओ भाई साहब, पहले नोटिस इट सीम टू बी फेस द डायरेक्शन ऑफ द नॉइज स्टेप ऑन द ब्रांच। ओके तो हमें इसके बिहाइंड से जाके इसे एक धप्पा देना है, हाइड एंड सीक वाला। तो वेल फारफेच कुआ। ओके यू स्नक अप एंड कॉट इट फ्रॉम बिहाइंड एंड नोटिस यू। ओके वाओ यू फाइंड फाइव है, थैंक यू। देयर इज वन मोर मिसिंग, इफ यू स्टेप ऑन बाय इट विल फे। ओके दैट्स योर चांस ऑफ स्नीक अप एंड ओनली इट फ्रॉम बिहाइंड। तो और एक फारफेच बचा है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा शायद से, यहाँ पे नहीं होगा, आगे होगा वो। ओ रेपल्स इफेक्ट वोर ऑफ। यार इसका रेपल सिस्टम भी भाई बहुत अच्छा नहीं है, हमें बार बार बैग खोलनी पड़ती है। ओके ये पोकी बॉल ले लेते हैं। ओके रिवाइव भाई साहब, क्या मिला है, रिवाइव मिलिया हमें। ओके तो यहाँ पे फारफेच की तरफ दिखाई नहीं दे। ओके तो फारफेच वहाँ पे है। ओके तो हमें ये करना ही पड़ेगा। ओके हमें बिहाइंड से करना है ना। ओके तो हम ये कर लेते हैं ताकि ये भाग जाए बस। यू नीड टू कैच इट फ्रॉम बिहाइंड ना, मुझे पता है। अरे भाई साहब, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ से? अभी यहाँ पे ऐसे करूँगा, रेपेल्स इफेक्ट वोर ऑफ। भाई साहब रेपेल यूज़ करो। ओके यार क्या करूँ इसके लिए? ओके तो अभी यहाँ से कैसे? यार ये थोड़ा सा ये अटपटा है भाई। ओके तो मैं एक काम कर सकता हूँ। हाँ भाई साहब ये काम कर दिया मैंने। वेल अभी इसे पीछे से धप्पा दे सकता हूँ। यार शेट नहीं दे सकता, अभी भी नहीं दे सकता यार मैं इसे धप्पा। ओके तो मुझे ऊपर से ही जाना चाहिए था यार, ऊपर से जाना चाहिए था मुझे। वेल अभी भी कोई चांस गया नहीं है मेरा। और भाई साहब इतनी रेपल खरीदी थी, सब बर्बाद है भाई, सब बर्बाद है। ओ भाई साहब इतना आसान पजल था यार, मैं क्या कर रहा था भाई साहब इतनी देर तक। ओके वो यू गॉट मी बोथ ऑफ देम, थैंक्स सो मच। माई बॉस कैन वॉन्ट ओबे मी बिकॉज आई डोंट हैव अ बैच, फ्यू यू सेव्ड मी। ओके इसका बॉस भी आ चुका है। एंड माई फार एंड फेच यू फाउंड देम फॉर स्किड, विदाउट देम वी वुडेंट बी एबल टू कट द ट्रीज फॉर चाकोल, थैंक्स किड। नाउ कैन आई थैंक यू, आई नो हर टेक दिस। ओके HM कट दे दिया इसने मुझे। ओके HM कट, डेट्स माई HM टीज टू पोकन टू क्लियर स्मॉल ट्री, ऑफकोर्स यू हैव टू जिम बैच फ्रॉम अजेलिया टू यूज इट। वो तो मेरे पास है भाई, मेरे पास है वो बैच। तो हमें फिर से है ना टाउन में जाना है कि हमें कुछ तो देंगे। ओके तो चलो चलते रहे। ओके तो यहाँ से नीचे इनका घर, ये देखो यहाँ पे है चारकोल वाला घर है इनका, चारकोल का घर नहीं है। तो ये शायद से हमें कुछ तो देगा फिर से। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू, दिस इज चारकोल। ओके हमें चारकोल देगा अभी। वेल नाइस यार, यही चाहिए था मुझे। मैं बैग में से दे देता हूँ इसे। गिव इट टू। ओके ओके मैं गलत बटन दबा रहा था। ओके क्विलावा को दे दिया, और क्विलावा मेरी फीमेल है यार, नॉइस। ओके रेपल से इफेक्ट वोर ऑफ भी हो चुका है यार, मैं फटाफट से रेपल खरीद लेता हूँ। ओके तो मैंने रेपल खरीद लिए हैं, तो चलो अभी आगे चलते हैं। और मैं आज का एपिसोड है ना थोड़ा आगे जाके ही एंड कर दूंगा, वेल क्योंकि ज़रा एपिसोड थोड़ा लंबा भी बन चुका है। सो आइलेक्स फॉरेस्ट। ओके तो यहाँ से अभी हम कट यूज़ कर सकते हैं ना। वेल कट यूज़ करने के लिए शायद से किसी को तो कट सिखाना पड़ेगा यार, शेट यार यही दिक्कत होती है ना। ओके कट कौन सीख सकता है क्या? इट कंटेन कंटिच कट, यस। यार मुझे मेरे मेन पोकेमॉन को सिखाना नहीं है यार, तो क्या कर लेता हूँ ना मैं यहाँ पे एक पोकेमॉन पकड़ लेता हूँ जो कट यूज़ कर सके।
ओके तो गाइस मैंने एक परफेक्ट एचएम स्लेव पकड़ लिया है जो बहुत सा काम अच्छे तरीके से कर सकेगा। यूज ओके एचएम इट कंटेंस कट। तो मैंने रैटेटा को चुना है अपना एचएम स्लेव। तो अभी रैटेटा मेरा एक टीम का एक एचएम स्लेव बन चुका है। तो गाइस रैटेटा को ढूंढने में थोड़े पसीने छूट गए, तो अभी आज के एपिसोड के लिए ना हम इतना ही रख देते हैं। सो ये क्या है भाई, आइलेक्स श्राइन है शायद से। आइलेक्स फॉरेस्ट श्राइन, इट्स अ ट्रिब्यूट टू द फॉरेस्ट प्रोटेक्टर। ओके तो गाइज आज के एपिसोड के लिए इतना ही रख देते हैं। अगले एपिसोड में जब भी कभी भी आएगा वो, तो अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट सिटी में जाएंगे और मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग भी कर लूँगा, क्योंकि आपको पता ही है थर्ड जिम लीडर कौन है भाई साहब। उसके सामने भाई पसीने छूट जाएंगे, हालत खस्ता खराब हो जाएगी। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, टिल देन बाय।